फोटोशूट बंद नहीं हो रहा है आज। जैनब और मुंधा को मिल गई यहाँ पर कैट, तो ये अब मैं इतनी निकाल के मैं रखती हूँ। अब मैं देखी मेरी बड़ी बहन मुझे इतनी नहीं। Assalamualaikum, hello everyone, this is me समरा रज़ा and welcome to my YouTube channel। तो आप सभी को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और आज ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी टाइम हो रहा है, दोपहर हो रही है, 2 बज रहे हैं आई थिंक सो। और मैं नीचे बना रही थी खाना, नाश्ता हमने कर लिया था, और यहाँ मैंने बिछा दी बेडशीट, और ये देख सकते हैं आप लोग। पर मसला ये है कि जनाब के बाबा बोलेंगे अब रूम में मच्छर बहुत आ रहे हैं, तो क्योंकि इसका कलर है ब्लैक। ये मैंने पिछले साल ऑर्डर करी थी तो इतना जहन में नहीं था, अब बिछाइए तो मुझे पता चल रहा है कि ये ब्लैक है, और वापस की वजह से रूम में आएंगे मच्छर, क्योंकि जैनब होती है तो हम मच्छर से भैया बहुत घबराते हैं कि मच्छर ना आए, सब आ जाए मच्छर ना आए। तो अभी बस मैं नीचे जा रही थी, मेरा खाना बन रहा था, मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। और आज मेरी दावत है सेकेंड डे अम्मी के घर, और उसके अलावा हमें एक और जगह जाना है शाम में, तो बस जाके नीचे जल्दी से खाना अपना रेडी करती हूँ, उसके बाद जनाब को तैयार करूँगी। जनाब अभी मैंने उसको नाश्ता करवा के नीचे भेज दिया, तो फिर उसको जनाब को रेडी करना, मैं रेडी होंगी, फिर जाएंगे हम एक और जगह दावत में, फिर उसके बाद रात में जाएंगे हम अम्मी के घर। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, ब्लॉग को एंजॉय करिएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अब बस मैं जा रही हूँ नीचे, तो यहाँ पक रहा है मेरा मटन का कोरमा, और ये जनाब के बाबा ले आए हैं रोटी, तो अब इसको करती हूँ जल्दी से डन। तो ये बन गया है मेरा मज़ेदार सा मटन कोरमा विद बादाम, और हमारे घर में आई नई प्लेटें, ईद की खुशी में हमने निकाली है नई प्लेटें, और पुरानी को कर दिया टाटा बाय बाय। यहाँ मैं लगा रही हूँ दस्तरखान, और हमारी चटाई भी इस बार नहीं आएगी ईद में, हाँ बस दस्तरखान रह गया अभी नया, बाकी प्लेटें व्लेटें चटाई सब हो गया नया। यहाँ हम लोग खा रहे हैं खाना, आप कैसा बनाए कोरमा? तो खाना खाकर मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और अब मुझे होना है जल्दी से रेडी, और जनाब को भी करना है रेडी, जनाब को भी कुछ खिला पिला कर दूँगी जनाब को रेडी। और आ रहे हैं जनाब के बाबा और जनाब भी ऊपर, तो इनसे लेते हैं रिव्यूज़ खाने के, जब मैंने स्पेशल मटन कोरमा बनाया था, तो आ रहे हैं ये ऊपर जनाब। कोरमे का बेहतरीन कोरमा, बेहतरीन मजा आ गया। तो भैया डेढ़ दो रोटी बहुत मतलब मजा था, हमने खा लिया खाना, बस जल्दी से रेडी होंगे जाने के लिए। तो यहाँ मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज, ये है मेरा आज का ड्रेस, और जैनब खेल रही हैं अपने बाबा के साथ बाहर, ये जैनब खेल रही हैं बाहर। और अब मुझे होना जल्दी से रेडी, और साथ साथ निकाल देती हूँ जैनब के कपड़े के, जैनब आज कौन से कपड़े पहनेंगी। तो जैनब के लिए लेकर आया था मैं एक फ्रॉक भी, तो आज हम जनाब को पहना देंगे ये वाली फ्रॉक, ये निकाल के इधर रखती है जनाब पहने ये फ्रॉक, और जनाब बैठ गई अपने बाबा के साथ यहाँ पर, ये देखें जनाब यहाँ पर खेल नहीं है। तो अब बस मुझे होना है जल्दी जल्दी रेडी, तो मैं हो जाती हूँ रेडी, और बस जनाब की भी मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, हो जाते हैं जल्दी से रेडी, फिर मिलते हैं आपसे तैयार होकर। तो यहाँ मैंने कर दिया जनाब को रेडी, और जनाब को फिर बहुत गुस्सा आ रहा है अपनी फ्रॉक देख देख कर, और अब बस मुझे पहननी है चूड़ियाँ, तो बस पहन लेते हैं जल्दी से चूड़ियाँ। अस्सलाम वालेकुम, और सबको ईद का सेकंड है बहुत मुबारक हो। यहाँ हम लोग हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं, आज मैं लगाए हैं लेंस और कर लिया थोड़ा बहुत मेकअप, तब बस हम लोग जा रहे हैं रखते हैं बिल्कुल नीचे उतर के देखते हैं, सबके साथ जा रहे हैं आज, तो चलते हैं नीचे। और यहाँ पर हो रहा है वहाँ का फ़ोटोशूट, इस जगह पर यहाँ पर तस्वीरें आती हैं अच्छी रोशनी की वजह से। अच्छा, और यहाँ पर मम्मा पापा भी बिल्कुल रेडी हैं, निकल रहे हैं हम लोग घर से, कहाँ जाना मुझे बैठ जाते हैं जल्दी से गाड़ी में, जनाब जाके बैठ गई हैं आगे, और हम वेट कर रहे हैं घर से आएंगे जनाब की फुप्पो। और यहाँ गाड़ी में चल रहा था वहाँ का फोटोशूट, फोटोशूट बंद नहीं हो रहा है आज, आज खुश है। और आज मम्मा और मेरा पर्स है सेम सेम, तो कपड़े जो है महा और मम्मा के, हाँ महा और मम्मा के कपड़े एक से हैं। अच्छा, हमारी अभी वाले डायमंड बट्टे वाले। ये आई है जनाब की फुप्पो जरेश मुंतहा, ईद मुबारक मुंतहा।
हम लोग पहुँच गए हैं भाई यहाँ पर, आपको लेते हैं आगे जा रहे हैं सब अंदर। जैनब और मुंधा को मिल गई यहाँ पर कैट। जैनब हाथ लगाओ, ये देखें जैनब को मजा आ रहा है बहुत यहाँ पर, अब बहुत देर के बाद। पंजे नहीं खुले। ये मुंतहा कैट को हाथ लगा रही है, छोटी हमारी जरिश भी आ रही है। पता है कि मैं पंजे खोलूंगा तो मुझे बहुत दूर का पड़ेगा। अच्छा, अब जरिश हमला करेगी डायरेक्ट बिल्ली पर। हाथ लगाओ। ये दादा जो चाहते हैं उधर मुस्कान और ये बात। जैनब इस बिल्ली को प्यार कर रही है। दस्तरखान लग चुका है, खाने में है शीर कोरमा और दाल के दही बड़े। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, सिर्फ मैं और जैनब के बाबा हैं और ये मुझे छोड़ रहे हैं घर, यहाँ से अम्मी के घर। बाकी सब यहीं पर हैं, अभी टाइम लगेगा इन लोगों को निकलने जा रहे हैं। मिलते हैं अम्मी के घर पहुँच कर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अभी आ रहे हैं ये। अच्छा तो जी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये देखें, चलते हैं अंदर जाकर देखते हैं। तो ये देखें आयशा ही सूट पहनी हुई थी और इनसे लड़ झगड़ के मैं कह रही हूँ कि वो सूट उतार के ही पहने, क्योंकि सेम मेरे जैसा तो सूट पहने ही है, ये पहनने के लिए तैयार नहीं है, पर इनको लड़ झगड़ के इनको ये सूट मैंने पहनने का बोला है। अभी पहनेंगे ये वाला सूट और साथ में है सेम ऐसा सूट जैनब का विद दुपट्टा। एक सूट है जैनब का, एक सूट है आयशा का और सेम सूट है मेरा। अब पहन लेते हैं जल्दी से, जाना कपड़े करवा देते हैं चेंज। तो बेल बजी है और अभी आए हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक अरे भैया, चलो भाई ईद मुबारक, ये बाद में ईद मुबारक कर लेना। तुम्हें बहुत देर में तक गर्मी लग रही है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और ये जैनब और जैनब की छोटी खाला और ये बच्चा पार्टी मुँह नहीं आ रहा। तो ना ये देखें तो यहाँ पे चल रहा था हम बहनों का फोटोशूट, ये देखें 80-90 का पराठा है, ये देखें 600 रुपए के कितने आए थे, अभी 7 आए थे 600 रुपए के। तो जी हम यहाँ पर जा रहे हैं ऊपर और ऊपर है खाने का इंतजाम, तो बस जल्दी जल्दी जा रहे हैं ऊपर, टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और अभी तक जाना भी बाबा यहाँ पर नहीं आए हैं, मुझे छोड़कर वो जा चुके थे और अब अभी तक वो आए नहीं है, 10:30 हो रहे हैं। तो अब हम ऊपर आए हैं खाना खाने, देखते हैं खाने का क्या इंतज़ाम है यहाँ पर, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए ये लग रहा है यहाँ पर दस्तरखान लग चुका है, खाने में है बिरयानी और सलाद रायता, हटें जनाब गोदी से और तो ये सबके सब बैठ कर खाना शुरू कर रहे हैं। मैंने अपनी प्लेट में डाले हैं अभी 2 लेग पीस और ये है आज का स्पेशल मीठा। तो खाना वाना हमने खा लिया था, अभी बस हम ऐसे निकल कर बाहर आए हैं और ये मेरी बहन धो रही है बर्तन। तो ये है हमारा पर किचन और अब बस हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि सारे काम हो गए हैं, सिर्फ हमने नहीं दिए तो ईदी नहीं दी है और अभी शायद जनाब के बाबा भी आने वाले हैं तो फिर दे देंगे हम सबको ईदी, और ईदी ले भी देंगे थोड़ी बहुत। तो बस जा रहे हैं जल्दी से नीचे जाके देखते हैं। और ये आ गए हैं हमारे मियाँ साहब जो के 3-4 घंटे से फंसे हुए थे ट्रैफिक में, मना करी थी मैं इनको, इनको मैं बोल रही थी कि नहीं जाएं बाहर बहुत रश है ट्रैफिक है, पर इन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। तो
लाला भी पर्स लेकर बैठी है, ज़ैनब की ईदी आई है। आहा वाह, आ गई ज़ैनब की ईदी। वाह मुझे पकड़ा दो, मुझे तो ये हमारी बड़ी बहन आपस में लड़ रही है कि हमें ईदी दे दो, हमें ईदी दे दो, किसी को ईदी नहीं दे रहा है, क्या कर रहे हैं। और अब आए हैं हमारे अब इधर बहस चल रही है, हमें ईदी दे दो, हमें ईदी दे दो, कोई दोनों एक दूसरे को ईदी देने को तैयार नहीं है। भाई कुछ कर ले, पचास रुपए दे दो, कोई नहीं देता है। बेचारी हमारी बड़ी बहन पचास रुपए की मांग रही है, कोई उसको पचास रुपए ही नहीं दे रहा। देखिए बड़े होने का ही नुकसान होता है, बड़ा सब छोटे को दे रहा होता है, पर बड़े को कोई छोटा ईदी नहीं दे रहा होता। तो ये अब मैं ईदी निकाल के मैं रखी हूँ, अब मैं देखती हूँ। देखिए मेरी बड़ी बहन मुझे ईदी नहीं दे रही, से साफ मुझे ईदी दे रही, दो मुझे ईदी दे रही हूँ। पकड़े दो, पकड़े पकड़े पकड़े। रोहान 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 दिए 100 रुपए, रजा ने दिए 100 रुपए। चलो वापिस दो, ये तमाशे हो रहे हैं। कोई ईदी दे रहा है तो कोई ईदी ले रहा है। इकराबाजी ईदी नहीं देखी हमने, देखो जरा किसके मुंडू लोगे घर? ये लो, आगे गली में सन्नाटा फेंका है मम्मी की तरफ से। तुम लोगों को मिल चुकी है। अच्छा ओ भाई भाई भाई, ये फैजान आया है ज़ैनब और रोहान की ईदी लेकर। वाह नहीं 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 नहीं, ये फैजान लेकर आया है भाई। पकड़ ले पकड़ ले, छुपा ले। बहस चल रही है इधर, ये फैजान ने दिया आयशा को, ताकि याद रहे ना कौन सा सजा ने कौन सा इकराबाजी ने। आयशा दो ज़ैनब को ईदी, आयशा ईदी लेकर आई है रोहान और ज़ैनब की। ज़ैनब ज़ैनब ईदी ले लो, ज़ैनब का है। अरे वाह, ये आ गया है शाहरुख, ईदी की नाम पर ईदी दे दो हमें।
ये आप ये लेकर आएंगे ईदी मुझे शाहरुख दे रहे हैं ईदी ईदी बेटा शाहरुख दे रहा है जल्दी जल्दी ले लो अस्सलाम वालेकुम इकरा बाजी खुश हो गई शाहरुख की ईदी देख कर इकरा बाजी का बहुत खुशी हो रही है शाहरुख की ईदी देख कर ये ना भाई ये दे दे शाहरुख को ये 200 रुपये ये शाहरुख की दी है वालेकुम अस्सलाम दे दो यार हमें ईदी दे दो दे रही हो नहीं दे रही हो बाजी खाना खिलाएगी सबको कब खिलाओगी कब ये कह रही थी तुम लोग बताओ बोलो हाईवे में खाने के लिए बताओ कहाँ खाना है ऐसी बातें करते हो तुम लोग बताओ वही कहाँ खाना है मैं सहला की ईदी भी दे दी है और यहाँ पर मैं जानब को खिला रही हूँ सीरीलैक जानब देख रही हैं मोबाइल और यहाँ पे खा रहे हैं जानब के बाप बाप खाना लेट आने का नतीजा होता है यहाँ पे खा रहे हैं रिजवान भाई खाना खा रहे हैं लोग खाना तो एट दी एंड मैं यहाँ पे बैठी हुई चाय पी रही हूँ चाय आई मेरे लिए सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और टाइम हो रहा है 12:15 हो रहे हैं और अभी बस हम लोग घर जाने के लिए बैठे हुए हैं और अभी बस मैं जाऊँगी घर और अपने इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड कल वाला ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा कि तीसरे दिन का दावत का और ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़